बॉलीवुड फिल्म जवान का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। इस फिल्म में आपको शाहरुख खान के 3 अवतार नजर आने वाले हैं। जी हाँ, जिसमें आपको फौजी रूप, विलन रूप और उनका आशिकाना अंदाज भी देखने को मिलेगा। फिल्म जवान 7 सितंबर को दुनिया भर में रिलीज होगी, लेकिन उसके पहले 10 जुलाई को फिल्म का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। पहले ये फिल्म 2 जून को रिलीज होनी थी, लेकिन इसकी रिलीज डेट आगे सितंबर 2023 में बढ़ा दी गई। अब सवाल यह है कि फिल्म जवान में लीड एक्ट्रेस के तौर पर दर्शक किस एक्ट्रेस को देख सकेंगे, इससे लेकर दर्शकों में संशय की स्थिति बनी हुई है। फिल्म जवान के टीजर की शुरुआत शाहरुख खान के एक्शन से हुई। फिल्म के ट्रेलर में शाहरुख खान का फौजी रूप, विलन रूप और आशिकाना रूप देखने को मिला है। मगर साथ ही फिल्म के इस ट्रेलर में नयनतारा, सान्या मल्होत्रा और दीपिका पादुकोण जैसी बेहतरीन अभिनेत्रियों को दिखाया गया। शाहरुख खान के साथ जब भी दीपिका पादुकोण आती हैं, तो फिल्म में ब्लॉकबस्टर साबित होती है। तो लोग समझ रहे हैं कि फिल्म जवान में शाहरुख खान के साथ दीपिका नजर आएंगी, लेकिन सच तो ये है कि पूरी फिल्म में लीड एक्ट्रेस के तौर पर नयनतारा नजर आएंगी। फिल्म जवान में सान्या मल्होत्रा सपोर्टिंग एक्ट्रेस के तौर पर नजर आएंगी और दीपिका पादुकोण का फिल्म में कैमियो रहेगा। फिल्म जवान 7 सितंबर को हिंदी, तमिल और तेलुगु भाषा में रिलीज होगी। 7 सितंबर को रिलीज होने वाली फिल्म जवान का निर्देशन एटली कुमार ने किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म जवान का बजट 220 करोड़ रुपए है। फिल्म को शाहरुख खान और गौरी खान ने प्रोड्यूस किया है और यशराज फिल्म्स ने डिस्ट्रीब्यूट किया है। फिल्म में शाहरुख खान ही लीड रोल में नजर आएंगे, जिनका नाम राजवर्धन होगा। इनके अलावा फिल्म में नयनतारा लीड एक्ट्रेस के तौर पर नजर आएंगी। फिल्म जवान में विजय सेतुपति और सान्या मल्होत्रा ने भी अहम किरदार निभाया है। फिल्म जवान में दीपिका पादुकोण और साउथ सुपरस्टार विजय का कैमियो होगा।